मत सोचते है सपना क्यों पूरा नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। हेलो एवरीवन, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक फिलो। जैसा कि आप सभी जानते हैं हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे थे, तो उसी से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक होने वाला है जो कि बौद्ध धर्म है। आप जानते हैं बौद्ध धर्म एक बहुत बड़ा धर्म है, जैसे कि हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, जैन धर्म है, उसी तरह से बौद्ध धर्म। तो आज की इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म के बारे में ही जानेंगे कि बौद्ध धर्म क्या था, कब स्टार्ट हुआ था और इसके संस्थापक कौन हैं, बौद्ध धर्म की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो आज की वीडियो में हम यही सब जानेंगे, क्योंकि आप जानते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, फिर चाहे एंट्रेंस एग्जाम हो, उन सब में हमारे इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जानते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो सबसे पहले बौद्ध यानी कि बुद्ध, बौद्ध धर्म को बुद्ध धर्म भी कहा जाता है, बौद्ध धर्म भी कहा जाता है। हम कोई भी वर्ड ले सकते हैं बौद्ध धर्म को डिफाइन करने के लिए। देन उसके बाद है गौतम बुद्ध। अब गौतम बुद्ध के नाम से भी बौद्ध धर्म को जाना जाता है। अब क्यों? क्योंकि बौद्ध धर्म के संस्थापक जो हैं, बौद्ध धर्म के जो गुरु माने जाते हैं, वो गौतम बुद्ध को ही माना जाता है। तो इसीलिए अगर बौद्ध धर्म का नाम आता है तो सबसे पहले गौतम बुद्ध का नाम हमारे माइंड में सबसे पहले आ जाता है। तो फिर इस पूरी वीडियो में हम गौतम बुद्ध के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप बिना स्किप करें पूरी देखें, जिससे आपको छोटी से छोटी नॉलेज मिल सके और आपको एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल सके। तो सबसे पहले 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में नए धर्म का उदय हुआ था। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में एक नए धर्म का उदय हुआ था। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म का उदय हुआ था। देन उसके बाद इस धर्म की विशेषता क्या है? नास्तिक और आस्तिक, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे नास्तिक कौन होते हैं और आस्तिक कौन होते हैं, जो भगवान में विश्वास रखते हैं और जो भगवान में विश्वास नहीं रखते। तो नास्तिक और आस्तिक यही हैं। और जो हमारा बौद्ध धर्म है ये किसी भगवान के ऊपर आधारित नहीं है, ये एक मनुष्य के ऊपर आधारित है। यहाँ पर मनुष्य को भगवान का दर्जा दिया गया है, क्योंकि गौतम बुद्ध को ही बौद्ध धर्म में भगवान माना जाता है। तो अब जान लेते हैं हम गौतम बुद्ध के बारे में कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, उनकी माता कौन थी, उनके पिता कौन थे, उनके जीवन में किस किस तरह से नए नए पड़ाव आए, किस तरह से उन्होंने संन्यास लिया, किस तरह से उन्होंने अपनी पहली यात्रा की थी। तो यही सब हम गौतम बुद्ध के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, कपिल वस्तु के पास। कपिल वस्तु में लुम्बिनी स्थान है, तो वहीं पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में। देन उनकी मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। 80 वर्ष की आयु में, गौतम बुद्ध 80 वर्ष के थे जब उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया था। उसके बाद जो गौतम बुद्ध के पिता माने जाते हैं, गौतम बुद्ध के जो पिता हैं वो शुद्धोधन हैं। तो शुद्धोधन जो है वो कपिला वस्तु नरेश थे, जो कपिल वस्तु स्थान था वहाँ के नरेश मीन्स वहाँ के राजा थे। तो जो गौतम बुद्ध के पिता थे वो यही चाहते थे कि मेरा बेटा भी बड़ा होकर राजा बने। बट बचपन में ही गौतम बुद्ध की भविष्यवाणी की गई थी कि या तो ये लड़का एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा या फिर एक बहुत बड़ा राजा बनेगा। तो आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि गौतम बुद्ध क्या बने थे, सन्यासी बने थे, ये आप सभी जानते हैं। तो उसके बाद गौतम बुद्ध की जो माता थी उनका नाम था महामाया, जो कि कौलिब वंश की एक लड़की थी, कौलिब वंश की पुत्री थी, जिनका विवाह शुद्धोधन यानी कि कपिल वस्तु नरेश से हुआ था। और इन दोनों के ही जो बेटे थे वो थे हमारे गौतम बुद्ध। देन उसके बाद ऐसा भी कहा जाता है कि गौतम बुद्ध जो थे उनके सौतेली माँ भी थी, जो उनकी मौसी भी थी मीन्स उनकी माँ की बहन, तो उनका नाम प्रजापति गौतमी था। और प्रजापति गौतमी का नाम आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम आगे प्रजापति गौतमी के बारे में और ज़्यादा पढ़ने वाले हैं। तो उनकी अब गौतम बुद्ध की पत्नी, जब गौतम बुद्ध बड़े हुए थोड़े तो उन्होंने उन गौतम बुद्ध के पिता ने उनमें कुछ ऐसे लक्षण देखे जिसके कारण वो गौतम बुद्ध के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए। वो लक्षण कुछ इस प्रकार थे कि वो बहुत ज़्यादा उदास रहा करते थे, अकेले रहा करते थे, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे, सिर्फ अपने आप में ही व्यस्त रहते थे। तो इसी लिए जो गौतम बुद्ध के पिता थे उन्हें बहुत ज़्यादा चिंता रहती थी गौतम बुद्ध के लिए कि ये लड़का राजा किस तरह से बनेगा, इसमें कोई ऐसी क्वालिटी ही नहीं है जिससे कि ये राजा बन पाए। तो
इसलिए उनके पिता ने सोचा कि शायद अगर इसके ऊपर कोई जिम्मेदारी पड़ेगी तो शायद इसमें थोड़ा बदलाव आ जाए, तो इसीलिए गौतम बुद्ध के पिता ने उनकी शादी कर दी। अब उनकी शादी जिस लड़की से हुई उसका नाम था यशोधरा। तो यशोधरा जो थी वो 16 साल की थी जब उनकी शादी हुई। देन उसके बाद शादी के कुछ सालों बाद ही उनका एक बेटा भी हो गया जिसका नाम था राहुल। तो गौतम बुद्ध का बेटा जो था उसका नाम राहुल था। गौतम बुद्ध जो थे दो बंधनों में बंध चुके थे, पहले उनकी पत्नी और बाद में उनका बेटा। तो दो बंधन हो गए थे जिससे वो मुक्त होना चाहते थे। और मुक्त होने के लिए गौतम बुद्ध ने क्या करा, हम यही पढ़ेंगे कि जो जब वो मुक्त होना चाहते थे उन्होंने क्या करा, किस तरह से संन्यास प्राप्त किया। अब हमारी जो रियल स्टोरी है गौतम बुद्ध की वो अब शुरू होती है कि किस तरह से ये बौद्ध धर्म का उदय हुआ, किस तरह से गौतम बुद्ध अस्तित्व में आए, एक अलग ही उन्होंने अपनी पहचान बनाई, एक नए धर्म को उजागर किया। तो सबसे पहले चार दृश्य। अब ये चार दृश्य क्या हैं, हम इनके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। गौतम बुद्ध जो थे जब वो इन बंधनों से मुक्त होना चाहते थे, संन्यास प्राप्त करना चाहते थे, अभी उनकी कोई ऐसी मंशा नहीं थी कि उन्हें संन्यास प्राप्त करना है, बल्कि वो तो उन्हें पता भी नहीं था कि सन्यासी होता कौन है। वो तो बस चाहते थे कि मैं दुनिया की मोह माया से सबसे बिल्कुल दूर हो जाऊँ, किसी का भी मेरे ऊपर कोई बंधन ना रहे, मेरे पर कोई तनाव ना रहे। और इसीलिए वो अपनी पहली यात्रा के लिए घर से निकल जाते हैं। जी हाँ, सब कुछ छोड़ के, अपने माँ बाप छोड़कर, अपनी पत्नी को छोड़कर, अपने बेटे को छोड़कर, सबको छोड़कर, अपना घर बार छोड़कर वो चल पड़ते हैं अपनी यात्रा पे। उसी यात्रा को गौतम बुद्ध की पहली यात्रा कहा जाता है। अब उस यात्रा में उन्होंने क्या क्या देखा, अब हम वही जानेंगे। तो चार दृश्य देखे थे गौतम बुद्ध ने अपनी प्रथम यात्रा में। तो पहला दृश्य क्या था, वृद्ध व्यक्ति, एक वृद्ध व्यक्ति यानी कि बूढ़े व्यक्ति को उन्होंने देखा। देन उसके बाद बीमार व्यक्ति को देखा, और जो तीसरा व्यक्ति था वो मृत व्यक्ति था, चौथा सन्यासी व्यक्ति, एक सन्यासी को देखा लास्ट में। तो जब उन्होंने सन्यासी को देखा और बाकी इन तीनों से उसका कंपैरिजन किया तो क्या रिजल्ट निकला, जैसे कि वृद्ध व्यक्ति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे, वो बहुत ज़्यादा मीन्स उनमें कोई एनर्जी नहीं थी, बहुत कमज़ोर थे। और इसी तरह से बीमार व्यक्ति, आप जानते हैं बीमारी की हालत में इंसान की क्या हालत हो जाती है। एंड मृत व्यक्ति, मरा हुआ इंसान में कुछ होता ही नहीं है। और सबसे लास्ट में देखा वो एक सन्यासी को देखा, और सन्यासी ने सब कुछ मोह माया सारा सब कुछ त्याग चुका था, वो ईश्वर की आस्था में लीन हो चुका था। और यह देखकर जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने भी यही निर्णय लिया कि मैं भी एक सन्यासी बनूंगा, कुछ भी हो जाए मैं एक सन्यासी ही बनूंगा। अब सन्यास लेने के लिए वो चल पड़ते हैं एक ऐसे स्थान पर जहाँ पे चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ होते हैं, और उन पहाड़ों के बीच में एक स्थान होता है जहाँ पे वे अकेले नहीं होते, बल्कि पांच व्यक्ति और वहाँ पर तपस्या कर रहे होते हैं। किस चीज़ की तपस्या, सन्यास लेने की तपस्या। अब जब गौतम बुद्ध भी उन पांचों में मिल जाते हैं तो वहाँ पे छह लोग हो जाते हैं, और गौतम बुद्ध कुछ टाइम तक वहाँ पर तपस्या करते हैं, बट कोई भी रिजल्ट सामने नहीं आता, गौतम बुद्ध को कोई भी शिक्षा प्राप्त नहीं होती। तो फिर क्या होता है, तो जब उन्हें कोई शिक्षा प्राप्त नहीं होती तो वो वहाँ से फिर चल पड़ते हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब गौतम बुद्ध अपनी पहली यात्रा पर में सब कुछ छोड़कर, अपना घर बार सब कुछ त्याग कर घर से निकले थे, तब वे 29 वर्ष के थे, 29 वर्ष उनकी आयु थी। देन उसके बाद जब वो यहाँ पहाड़ों के बीच में संन्यास लेने के लिए, तपस्या करने के लिए आए तो उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता। देन वो यहाँ से दोबारा चल लेते हैं, पर वो पाँच लोग और जो थे वो यहीं पर रह जाते हैं। तो गौतम बुद्ध अपना एक गुरु बनाते हैं। अब गुरु का क्या नाम था, अलार कलाम। उन जो गौतम बुद्ध थे उनके गुरु का नाम अलार कलाम था, जो कि वैशाली के रहने वाले थे। और उनके जो दूसरे गुरु थे वो थे रुद्रक रायपूत। तो रुद्रक रायपूत इनके दूसरे गुरु माने जाते हैं, जो कि राजगृह आप जानते हैं बिहार में स्थित है। तो इसी तरह से वहाँ के रहने वाले थे गौतम बुद्ध के ये गुरु। तो उन गुरुओं से गौतम बुद्ध ने शिक्षा ग्रहण की, और शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो एक बार फिर से चल दिए एक सन्यासी बनने के लिए, अपनी शिक्षा लेने के लिए और एक अच्छी आस्था में लीन होने के लिए। देन उसके बाद क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब ज्ञान की प्राप्ति किस तरह से हुई, यह भी एक बहुत बड़ी कहानी बताई जाती है। लोग नई नई कहानियाँ बताते हैं कि इस तरह से गौतम बुद्ध को शिक्षा प्राप्त हुई, इस तरह से हुई। तो जो हमें मेन जो कहानी है मैं आपको बताती हूँ कि बोधगया एक स्थान है जहाँ पर गौतम बुद्ध को शिक्षा की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कब हुई थी, 6 वर्ष बाद, जब उन्होंने
यहाँ ये जो पहाड़ों वाली बीच की जगह थी, इस जगह को छोड़ने के बाद 6 वर्ष के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जब वे 35 वर्ष के हो चुके थे। 35 वर्ष की आयु गौतम बुद्ध की हो चुकी थी, उसके बाद गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब कहाँ पर हुई? बोध गया में, एक पीपल के पेड़ के नीचे, निरंजना नदी के किनारे। निरंजना एक नदी है, नदी का नाम है निरंजना, तो उसी नदी के किनारे एक पीपल का पेड़ था। तो उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर जब गौतम बुद्ध तपस्या कर रहे थे, तो उसके 6 साल बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो यही बताया जाता है कि ज्ञान की प्राप्ति गौतम बुद्ध को 6 साल बाद हुई, बोधगया में हुई थी, एक पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी और निरंजना नदी के किनारे हुई थी। सो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया हो कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार से हुई थी। अब हम आगे देख लेते हैं तथागत। अब ये तथागत क्या है, मैं आपको बताती हूँ। तथागत का मतलब होता है सत्य है ज्ञान जिसका, मैं सच है जिसका ज्ञान, जिसमें कोई फेरबदल नहीं है, कोई भी छल कपट नहीं है, जिसका ज्ञान बिना किसी शक किए बिल्कुल सच है, जिसके ज्ञान को हम बिल्कुल अपना सकते हैं, बिना कुछ सोचे समझे उसको अपने जीवन में ला सकते हैं, तो उसे ही तथागत कहा गया है। तथागत क्यों कहा गया है? क्योंकि गौतम बुद्ध के बारे में ये कहा गया है कि सत्य है ज्ञान जिसका। जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उनके पास एक ऐसा ज्ञान होता है जो कि बिल्कुल सत्य होता है, जिसमें कोई छल कपट नहीं होता, कोई झूठ नहीं होता, जिसके कारण गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि बुद्ध, एशिया के प्रकाश पूज्य भी कहा गया है। बहुत सारे लोगों ने उन्हें अलग अलग नाम दिए हैं, जैसे कि शाक्य मुनि बुद्ध। बुद्ध तो आप जानते ही हैं, आप भी बुद्ध कहते होंगे, और एशिया के प्रकाश पूज्य। अब एशिया के प्रकाश पूज्य क्यों कहा गया? क्योंकि आप जानते हैं हमारा जो भारत है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है, तो इसीलिए एशिया के प्रकाश पूज्य नाम से भी गौतम बुद्ध को जाना जाता है। तो अब सबसे प्रिय शिष्य के बारे में हम जान लेते हैं। गौतम बुद्ध के शिष्य, सबसे प्रिय शिष्य जो थे उनके वो थे आनंद। अब आनंद कौन थे मैं आपको बताती हूँ। हम जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि एक पहाड़ों वाली जगह थी, वहाँ पर पहले से 5 लोग संन्यास ले रहे थे, मीन्स 5 लोग पहले से ही तपस्या कर रहे थे। तो उन 5ों में जो एक व्यक्ति था वो उसका नाम आनंद था। तो उसी आनंद को बाद में गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति करवाई, उसको शिक्षा दी। तो इसीलिए जो गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य माने जाते हैं वो भी आनंद ही माने जाते हैं। देन प्रथम उपदेश, जो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया है वो सारनाथ में दिया था। सारनाथ एक जगह का नाम है, तो सारनाथ में जाकर ही गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। अब उसके बाद कुछ बेसिक चीज़ें हैं, मैं आपको बता देती हूँ कि जो बौद्ध धर्म है उससे रिलेटेड ये चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम घटना के बारे में जानेंगे, देन उसके बाद प्रतीक। कि हमारे बौद्ध धर्म है तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें रिलेटेड हैं जिन्हें कुछ निशानों के द्वारा, कुछ प्रतीकों के द्वारा समझाया गया है। जैसे कि जन्म, जब किसी भी व्यक्ति का जन्म होता है बौद्ध धर्म में, तो उसे कमल या सांड के रूप में प्रतीक किया जाता है। तो उसके बाद गृह त्याग, जैसे कि आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध ने अपना गृह त्याग किया था, तो गृह त्याग जो उन्होंने किया था जब वो अपनी पहली यात्रा पर निकले थे, तो वो घोड़े पर निकले थे, तो इसीलिए जो गृह त्याग का चिन्ह माना जाता है, जो प्रतीक चिन्ह माना गया है, वो घोड़े को माना गया है कि हम गृह त्याग करेंगे। इट मीन्स हम घोड़े से रिलेटेड किया गया उसे, क्योंकि गौतम बुद्ध ने जब अपनी प्रथम यात्रा की थी वो घोड़े पर ही की थी। देन ज्ञान का जो प्रतीक चिन्ह है वो पीपल को माना गया है बौद्ध धर्म में। पीपल को क्यों माना गया है? क्योंकि आप जानते हैं पीपल के पेड़ के नीचे ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसके कारण ज्ञान को पीपल का प्रतीक चिन्ह माना गया। अब निर्वाण क्या है? जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है हमारी बौद्ध धर्म के अंदर वो है निर्वाण। निर्वाण का मतलब ही होता है कि सब कुछ मोह माया त्याग कर ईश्वर की आस्था में बिल्कुल लीन हो जाना, सब कुछ भूल जाना। अगर मैं सही अर्थों में कहूँ तो मृत्यु हो जाना, प्राणों को त्याग देना निर्वाण कहलाता है। तो पदचिन्ह, मृत्यु का पदचिन्ह क्यों? क्योंकि हमारे पैरों का चिन्ह है। आप जानते हैं कि जब हमें निर्वाण की प्राप्त होगी तो हमारे इस दुनिया से बिल्कुल ताल्लुक ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मरे हुए व्यक्ति को कुछ भी पता नहीं होता। तो इसीलिए निर्वाण का जो अगर हम सरल अर्थों में अर्थ बताएँ तो मृत्यु ही होगा। और अगर हम जैसे कि ये हमारा बौद्ध धर्म है, अगर हम इसका कंपैरिजन जैन धर्म से करते हैं, तो जैन धर्म में निर्वाण प्राप्त करने का अर्थ होता है कि ज्ञान की प्राप्ति करना, ना कि मर जाना। अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो इसमें निर्वाण का अर्थ होता है कि मृत्यु हो जाना। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा ये सब। तो हम आगे देख लेते हैं।
आनंद के आग्रह पर महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश मिला। अब आनंद हम पढ़ चुके हैं, आनंद जो था सबसे प्रिय शिष्य था गौतम बुद्ध का, तो उनके आग्रह पर महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश मिला। आप जानते हैं इससे पहले बौद्ध धर्म में महिलाएं नहीं हुआ करती थी, पर जब आनंद ने गौतम बुद्ध से कहा कि महिलाओं को भी प्रवेश मिलना चाहिए बौद्ध धर्म में, तो उसके बाद गौतम बुद्ध इसके लिए आग्रह इसके लिए राजी हो गए थे कि हाँ ठीक है, महिलाएं भी उपस्थित हो सकती हैं, महिलाएं भी बौद्ध धर्म में प्रवेश कर सकती हैं। शाली में यह बात कही थी आनंद ने गौतम बुद्ध से। उसके बाद प्रथम महिला शिष्य, तो यह सबसे पहली महिला थी जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था, बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्त किया था, तो वो थी प्रजापति गौतमी। अब प्रजापति गौतमी कौन थी, हम पहले पढ़ चुके हैं प्रजापति गौतमी गौतम बुद्ध की सौतेली माँ थी, तो उन्होंने ही सबसे पहले बौद्ध धर्म को अपनाया था, बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी। देन उसके बाद सबसे अधिक उपदेश जो गौतम बुद्ध है उन्होंने सबसे अधिक उपदेश जो दिए वो श्रावस्ती में दिए हैं जो कि कौशल में है। श्रावस्ती एक स्थान का नाम है जो कि कौशल भी एक स्थान का नाम है जिसमें उपस्थित है। तो गौतम बुद्ध ने अपने सबसे ज़्यादा उपदेश जो दिए हैं वो श्रावस्ती में ही दिए हैं। देन उसके बाद अंतिम उपदेश जो गौतम बुद्ध है उन्होंने अपना अंतिम उपदेश जो दिया था वो सुभद्रा शिष्य को दिया था। सुभद्रा नाम की एक लड़की थी जिसको अपने आखिरी उपदेश दिया था। देन उसके बाद चार आर्य सत्य। अब जो हमारा बौद्ध धर्म है उसका चार आर्य सत्य है, मीन्स ऐसे सत्य है जो बिल्कुल सच है, हर इंसान के जीवन में बिल्कुल सच है, वो कोई भी फेरबदल नहीं है उनमें। तब हम उन्हीं चार सत्यों के बारे में जानेंगे कि कौन से हैं वो चार सत्य है। सबसे पहला है हमारा दुख। दुख क्या होता है, हर चीज़ का एक दुख हो, हर इंसान की लाइफ में दुख है कहीं पे, हर अगर एक इंसान है उसकी लाइफ में सारे सुख ही सुख है तो एक दुख तो ज़रूर होगा, क्योंकि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके लाइफ में दुख ना हो। तो इसी तरह सबसे पहला जो हमारा वो है दुख, और जो दूसरा दुख का कारण, जो दूसरा हमारा सत्य है, अगर आप जानते हैं कि अगर हमारा दुख है तो उस दुख का कारण भी है, क्योंकि बिना कारण के तो दुख होगा ही नहीं, तो उस दुख का कोई कारण भी है। देन जो हमारा थर्ड है वो है दुख का निवारण। अब दुख का कारण है तो दुख का निवारण भी होगा, मेरे से दुख को ख़त्म करने का, दुख को सुलझाने का कोई तो रास्ता होगा, तो वही उसे निवारण कहा गया है। देन जो हमारा फोर्थ है दुख का निवारण मार्ग। अब जब दुख का निवारण है तो उसका कोई रास्ता भी होगा कि हमारे पास दुख है, फिर हमें पता चल गया कि हमारे दुख का कारण ये है, फिर हमें जानेंगे कि इस दुख को हम किस तरह से ख़त्म करें, फिर उसका मार्ग कि उस दुख को ख़त्म करने के लिए हमें किस रास्ते पर चलना है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि दुख का जो निवारण मार्ग है वो क्या है, बौद्ध धर्म है। अगर हम बौद्ध धर्म पर चलते हैं तो हम अपने दुखों से बिल्कुल निवारण प्राप्त कर सकते हैं, अपने दुखों को बिल्कुल त्याग सकते हैं। तो आई होप कि आपको जो चार आर्य सत्य हैं वो बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। देन उसके बाद अष्टांगिक मार्ग, गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताया, अष्टांगिक का मतलब है आठ, तो आठ मार्ग बताए हैं गौतम बुद्ध ने हमारे जीवन को यापन करने के लिए, इससे हम एक सुखी लाइफ जी सकें, एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें। तो सबसे पहले सम्यक दृष्टि। अब आप देख रहे होंगे सब में सम्यक सम्यक वर्ड है, तो इस सम्यक का मतलब क्या है, सम्यक का मतलब है सही, बिल्कुल सही। तो सम्यक में सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाक्य, सही कर्म, सही अजीव, सही व्यायाम, सही स्मृति, सही समाधि। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा, मैं एक बार इन्हें डिटेल में भी बता देती हूँ। सही दृष्टि का मतलब है कि हम बिल्कुल सही दृष्टि में देखें, कुछ भी हम गलत ना देखें, कुछ गलत ना करें, बिल्कुल सही देखें। सही संकल्प, जो भी हम संकल्प लें बिल्कुल सही लें, कोई झूठा या कोई भी गलत फैसला ना लें। देन उसके बाद सही वाक्य, हम कुछ भी बोलें तो हम अच्छे वाक्यों का, सही वाक्यों का प्रयोग करें। देन उसके कोई भी कटु वचन ना बोलें। और सही कर्म, सही कर्म में हमें जो भी कार्य करना है अच्छा करना है, किसी के साथ किसी को कोई दुख नहीं पहुँचाना है, ऐसा नहीं करना, ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे दूसरों को दुख पहुँचे, ऐसे ही काम करना है जिससे दूसरों को मदद हो। देन उसके बाद सम्यक आजीव, जीना है तो इस तरह से जीना है कि सभी लोगों का हमसे प्रेरणा हासिल हो। तो उसके बाद सही व्यायाम, आप जानते हैं व्यायाम हमारी लाइफ के लिए कितना ज़रूरी है, तो उसीलिए सही। और सही स्मृति, स्मृति में हमारी जो थिंकिंग है, हमारी याददाश्त है, वो स्मृति याददाश्त, हमें सही याददाश्त रखनी है, कुछ भी भूलना नहीं है। इसी तरह से जो लास्ट है सम्यक समाधि, समाधि में निर्वाण की प्राप्ति करना। आई होप कि आपको अष्टांगिक मार्ग बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। देन उसके बाद बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बौद्ध धर्म जो है इसके त्रिरत्न, त्रि मतलब तीन रत्न है ऐसे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अब हम उन तीन रत्न के बारे में भी
जान लेते हैं। सबसे पहले बुध, बुध कौन है? गौतम बुध। तो गौतम बुध सबसे पहले बहुत एक रत्न के टाइप में है, क्योंकि बौद्ध धर्म का अगर अस्तित्व है तो वो सिर्फ गौतम बुध के कारण ही है। देन उसके बाद धम्म, धम्म आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, धम्म मीन्स धर्म ही होता है। देन उसके बाद संघ, संघ क्या होता है? एक ग्रुप होता है संघ, तो उसी तरह से ग्रुप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो बौद्ध धर्म है उसके लिए, क्योंकि एक व्यक्ति कभी भी कुछ नहीं कर सकता। आप गौतम बुद्ध थे, उनके बहुत सारे शिष्य थे, औरतें भी थीं और आदमी भी थे, तो इसी तरह से एक ग्रुप बन चुका था। तो इसीलिए ग्रुप को, संघ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया गया है बौद्ध धर्म में। और जो हमारा लास्ट है वो है बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य। जो बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, बौद्ध धर्म जो है इसका अगर कोई एक लक्ष्य है तो वह क्या है? तो उसका यही लक्ष्य है निर्वाण की प्राप्ति करना। निर्वाण की प्राप्ति मैं आपको बता ही चुकी हूँ बहुत अच्छे से कि क्या मतलब है इसका, एक मतलब कि पूरा ज्ञान हासिल कर लेना। निर्वाण की प्राप्ति, ईश्वर को प्राप्त कर लेना मीन्स मृत्यु हो जाना। इस तरह से मृत्यु की हमें सब कुछ मोहमाया, उससे पहले हमने त्याग दी हो, दुनियादारी से हमारा कोई मतलब ही ना रहा हो, ईश्वर की आस्था में हम बिल्कुल लीन हो गए हो, जो हम जिए तो ईश्वर के लिए जिए, मरे तो ईश्वर के लिए मरे। तो बौद्ध धर्म का जो परम लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य है, वो यही है निर्वाण की प्राप्ति करना। इसी तरह से गौतम बुद्ध ने भी निर्वाण की प्राप्ति कर ली थी। कब करी थी? 483 ईस्वी पूर्व में, कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में। तो आई होप कि आपको बौद्ध धर्म के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में बहुत अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि ये टॉपिक जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप जानते हैं धर्म से रिलेटेड अक्सर हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो आई होप कि मेरी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रही हो। तो अगर थोड़ी सी भी यूजफुल रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इसी तरह से लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसकी नेक्स्ट वीडियो हमारी जैन धर्म से रिलेटेड होने वाली है, तो उस वीडियो को भी देखना बिल्कुल भी ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन टेक।